बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में आज हाफिज सईद और मुल्ला उमर का जिक्र आ गया। पोरबंदर में संदिग्ध बोट में धमाके पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। इससे नाराज बीजेपी ने कहा कि उसे हाफिज सईद और मुल्ला उमर को अपना नेता मान लेना चाहिए। पोरबंदर के पास समंदर में डूबी नाव पर आतंकी सवार थे या तस्कर? कांग्रेस मोदी सरकार से ये सवाल बार बार पूछ रही है, लेकिन बीजेपी ने बदले में उस पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयानों से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अब आने वाले समय में हाफिज सईद, मुल्ला उमर और लखवी जैसे आतंकवादियों के नेतृत्व में पाकिस्तान में शायद चुनाव लड़ने की इच्छुक है। कि हर भारतवासी को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है और हर ऐसा प्रश्न जो सरकार को आसान ना लगे या अनकंफर्टेबल लगे वो प्रश्न पूछने वाले को पाकिस्तानी नहीं बना देता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बार फिर बोट में धमाके को आतंकी घटना कहा है। दे कमिटेड सुसाइड, हराकिरी, अ नॉर्मल बोट इवन कैरिंग सम ड्रग कैन थ्रो अवे द ड्रग एंड सरेंडर, नो वन इज गोइंग टू बी किलिंग हिमसेल्फ। स्मगलर्स डोंट कीप इन टच विद मैरीटाइम पाकिस्तानी एजेंसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और देयर आर्मी और इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स। लोकेशन इज नॉट नॉर्मल सी रूट और नॉर्मल रूट फॉर द फिशिंग बोट्स। देयर वाज नो अदर वेसल इन द विसिनिटी, सो फिशिंग एरिया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि कांग्रेस ने बोट धमाके को लेकर बीजेपी पर अब तक जितने भी आरोप लगाए हैं सब के सब मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और इसी वजह से बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उसने जिस तेवर के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया उससे ये विवाद और तल्ख हो सकता है।